उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान से, भारत आई अंजू उर्फ फातिमा से जुड़ी। 4 महीने बाद राजस्थान की रहने वाली अंजू भारत लौट आई हैं। अंजू के वापस आने के बाद अमृतसर में पंजाब पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। दावा किया गया कि पूछताछ में अंजू ने पाकिस्तान से भारत लौटने का अपना मकसद भी बताया। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अंजू ने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए भारत वापस आई हैं और वो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहती हैं। सूत्र बताते हैं कि अंजू ने पाकिस्तान की पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसियों से किसी भी तरह के संबंध होने की बात से इनकार कर दिया। अंजू के मुताबिक पाकिस्तान में शादी करने के लिए पहले उन्होंने अपना धर्म बदला और फिर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अपने प्रेमी नसरुल्ला से शादी करी। हालांकि उनके पास नसरुल्ला के साथ शादी करने से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन उनका दावा है कि वो नसरुल्ला के साथ शादी करके बेहद खुश हैं। राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली अंजू इसी साल 21 जुलाई को टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन 4 महीने बाद वो अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत लौट आई। लेकिन भारत में दाखिल होते ही अंजू को पंजाब पुलिस अपने साथ अमृतसर ले गई। वहां पंजाब पुलिस के साथ साथ दूसरी जांच एजेंसियों ने भी उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस लंबी पूछताछ के दौरान अंजू ने यह दावा किया कि वो प्यार के लिए सरहद पार यानी पाकिस्तान गई थी और उनका पाकिस्तान की पुलिस और वहां की जांच एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है। सूत्र ये बताते हैं कि अंजू ने पूछताछ के दौरान पाकिस्तान जाने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और फिर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अपने प्रेमी नसरुल्ला से शादी कर ली। हालांकि अंजू नसरुल्ला के साथ शादी से जुड़ा कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाई। यही नहीं, पूछताछ के दौरान उन्होंने पाकिस्तान से भारत लौटने का अपना मकसद भी बताया। सूत्रों के मुताबिक उनका मकसद भारत में रहने वाले अपने पति अरविंद से तलाक लेना और अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान लौटना है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि उनके बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अंजू का दावा है कि पाकिस्तान जाकर और नसरुल्ला के साथ शादी करके वो बेहद खुश हैं। पाकिस्तान से जाने से पहले अंजू राजस्थान के बिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन आरोप है कि वो अपने पति और बच्चों को बिना बताए 21 जुलाई को टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान चली गई थी। बाद में पता चला कि अंजू ने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला से निकाह कर लिया। उस दौरान दोनों के प्री वेडिंग शूट और शादी की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन 4 महीने तक वहां रहने के बाद एक रोज पहले अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आ गई। पूछताछ के बाद वो अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि वो पाकिस्तान जाकर बेहद खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूं। अमृतसर से दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर मीडिया के लोगों ने अंजू को घेर लिया, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबर है कि दिल्ली से वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर अपने पिता के घर जा सकती है। लेकिन अंजू के पाकिस्तान से भारत पहुंचने की खबर मिलते ही उनके मायके में हड़कंप मच गया। खबर है कि अंजू के गांव में उनके घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अंजू का मायका यानी उनके पिता का घर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में और वहां के बौना गांव में अंजू के पिता का घर है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से अंजू के भारत आने की खबर आई, गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंजू के पाकिस्तान जाने से नाराज लोगों ने उनके गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। गांव वालों का आरोप है कि अंजू ने न सिर्फ अपने परिवार को धोखा दिया बल्कि उन्होंने अपने देश से भी गद्दारी की। नहीं, हमने तो पहले भी मना कर दिया था उनके पिताजी से भी माताजी से, नहीं आएगी तो हमें यहाँ उनको आने नहीं देंगे। गांव के लोगों ने अंजू के पाकिस्तान जाकर शादी करने के फैसले को शर्मनाक बताया। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अंजू ने गांव में कदम भी रखा तो उनके घर वालों को भी गांव से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ देश कानून बिल्कुल नहीं आना चाहते, हम उसको इसके माँ बाप को और निकाल देंगे। हालांकि अंजू के पिता गया प्रसाद का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने भी अंजू से मिलने से इनकार कर दिया। जबकि पाकिस्तान छोड़ने और भारत में दाखिल होने से पहले अंजू का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान और वहां के लोगों की जमकर तारीफ करती नजर आई। हालांकि उन्होंने भारत आने पर भी खुशी जताई। 4 महीने पहले 21 जुलाई को अंजू अचानक पाकिस्तान पहुंच गई और दावा है कि वहां पहुंचने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वो अंजू से फातिमा बन गई थी। दावा है कि उन्होंने 25 जुलाई को अपने प्रेमी नसरुल्ला से शादी कर ली थी और तभी से वो अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्ला के साथ उनके घर खैबर पख्तूनख्वा में रह रही थी, लेकिन 4 महीने साथ रहने के बाद अंजू भारत लौट आई। पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने से पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान का गुणगान करती नजर आई।
यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। अपने इस वीडियो में अंजू ने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान में बिताया गया उनका हर दिन बहुत अच्छा गुजरा और वहाँ के लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी गैर मुल्क में आई हैं। और पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली ने दावा किया कि पाकिस्तान में 4 महीने रहने के बाद अंजू और फातिमा सिर्फ 3 महीने के लिए भारत आई और उनका मकसद अपने बच्चों को पाकिस्तान लाना, क्योंकि उनका दावा है कि अंजू अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती हैं, इसलिए वो उन्हें पाकिस्तान ले जाने के लिए भारत आई हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली के मुताबिक अंजू का प्लान भारत में सिर्फ 3 महीने तक रुकने का है। इस दौरान वो अपने भारतीय पति अरविंद से तलाक लेंगी और अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करेंगी। दावा यह भी है कि अंजू बच्चों को इस बात के लिए मनाएंगी कि वो भी उनके साथ पाकिस्तान चलें। 3 महीने के लिए वो इंडिया गई है और उसने यही कहा है मतलब कि 3 महीने बाद वापस आएगी वो और अपने बच्चे लेने गई है। मतलब 3 महीने बाद अंजू उर्फ फातिमा पाकिस्तान लौट जाएंगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर का यह भी दावा है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है ताकि पाकिस्तान में रहने के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और तो और पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित के मुताबिक अंजू और नसरुल्ला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बेहद मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान से अंजू को भारत रवाना करते हुए नसरुल्ला बुरी तरह रोने लगे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि भारत अंजू को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देगा। इसी वजह से नसरुल्ला अंजू को भारत नहीं भेजना चाहते थे। हालांकि पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली का दावा है कि अंजू उर्फ फातिमा और नसरुल्ला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बेहद मजबूत है। अंजू को पाकिस्तान से भारत रवाना करते हुए न सिर्फ घर वाले दुखी थे बल्कि नसरुल्ला बुरी तरह रोने लगे थे। वो बड़े ही आपस में खुश हैं, उनका रिलेशन इवन उसके जाने पे नसरुल्ला रो भी रहा था कि यार बीवी से जुदाई पे रो रहा था। पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली का ये भी दावा है कि अंजू बच्चों की खातिर भारत गई है और अगर अंजू के साथ उनके बच्चे पाकिस्तान आते हैं तो नसरुल्ला उन्हें अपनाने के लिए भी तैयार है। इधर पाकिस्तान से